मैं हूं आपका भाई बंधु नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं GIFX ब्लॉग। आज का वीडियो है छठ पूजा के ऊपर। आप सभी देशवासियों को GIFX ब्लॉग की तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई। आज हम आए हैं लेमुआबाद पंचायत, जो पंडारक सूर्य मंदिर के अंतर्गत ही आता है कहते हैं, और वेदों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार पंडारक सूर्य मंदिर की स्थापना सूर्य जो है उसको कृष्ण भगवान और जामबंदी के पुत्र श्याम ने कराया था। और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये पुण्यार्क सूर्य मंदिर घाट का ही पार्ट है जो लेमुआबाद पंचायत के अंदर है और इसे शिवाला घाट बोला जाता है। तो आइए चलते हैं घाट की ओर। जय छठी। देखिए कश्ती देते हुए यहाँ के सूर्य मंदिर का कितना और इस घाट का कितना महत्व है कि आदमी कश्ती देते हुए भी आते हैं। देखिए घाटों पे अर्घ देते हुए लोगों की भीड़। देखिए कश्ती देते हुए जा रहे हैं घाटों के ऊपर। इस सूर्य मंदिर का, इस घाट का महत्व इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए श्रद्धालुओं का भीड़ अब लगातार धीरे धीरे आते जा रहे हैं और जो पुल बनाया गया है उसके ऊपर देखिए लगातार श्रद्धालु आते जा रहे हैं। आपको यहाँ से पूर्व एक और घाट जो पुण्यार्क मंदिर का घाट है वहाँ का भी दिखा रहे हैं। वहाँ भी देखिए हजारों लाखों की संख्या में भीड़ है जिसे हम यहीं से दिखा रहे हैं जूम कर कर। देखिए लगातार भीड़ बढ़ता हुआ, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ता हुआ। और जैसा मैंने बताया था कि लाखों की संख्या में भीड़ होती है, ये शाम होते होते लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। मिष्टी इधर देखो,
देखिए पूजा समिति के कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं। चलिए देखिए ये भी है पूजा समिति के कार्यकर्ता, कैसा इंतजाम है भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो में नहीं है भाई, लपुआ का सरदार। चलो कैसा इंतजाम है? बढ़िया है बढ़िया है, चाक चौबंद है ना? हाँ ठीक है। चल नवीन जी साइड होके वीडियो बनाइए। देखिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आता हुआ और ये हजारों से लगातार लाखों में होता चला जाएगा। हेलो, लगातार श्रद्धालु आता हुआ धीरे धीरे पुल पर। देखिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलिए कैसा लगा व्यवस्था? बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए धन्यवाद। देखिए लोगों का भीड़ लगातार बढ़ता हुआ। देखिए लगातार भीड़ किस कदर बढ़ता जा रहा है। यह सूर्य उपासना का केंद्र। अभी आपको हम मिलाने जा रहे हैं पूजा समिति के कार्यकर्ता और लेमुआबाद पंचायत के जन सामाजिक कार्यकर्ता मतलब जन प्रतिनिधि और हमारे यहाँ के पंचायत समिति भी हैं।
उनसे मैं आपको मिला रहा हूं और इस व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलिए राजू जी से बात करते हैं, जो यहाँ के पंचायत समिति हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो राजू जी आप बताइए, जो भी इस छठ महापर्व में व्यवस्था हुआ है वो अच्छा है, मैं खुद कह रहा हूँ कि अच्छा है, और अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है, बट आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, आप पे इतने सारे जन का जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पे, तो आप इस व्यवस्था से कितना संतुष्ट हैं? पहले नंबर तो आप सब व्रत लोग के प्रणाम करते हैं, छठ पर्व को सब लोग खुशी से दे रहे हैं अर्घ, और हमारे मुखिया जी के इसमें सहयोग था, हम सब लगे हुए हैं उसमें, जो जिसको बना जो कर रहे हैं, सब गांव लोग हमारे गांव पंचायत के लेमाबाद पंचायत के सब सही बात है, सब गोटे तीन जगह यहाँ घाट बना है लेमाबाद में, तीनों जगह मुखिया जी के सहयोग है, सब कार्यकर्ता के सहयोग है, सब गांव वाला कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, सब आदमी के सहयोग से हो रहा है सब कुछ। सब हमारे तरफ से सब जो कमी हुई है उसके लिए हम विनती मांगते हैं, और सब आदमी ऐसी सब साल के साल इस साल भी सब आदमी सहयोग में, सब साल सहयोग में रहता है रहेगा। हमारे मुखिया जी सब जगह। चलिए तो राजू जी से बात कराए हम आपको, और जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारण से अगर किन्हीं कोई असंतुष्ट हुए हों तो उनके लिए ये क्षमा याचना भी कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि बेटर से बेटर सुविधा दिया जाए। तो और कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं। जो सबसे बढ़िया है क्या चीज? व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, अच्छा है व्यवस्था। हाँ अच्छे है, जो कमी भी नहीं ना, कमी कहाँ, थोड़ा बहुत है कमी इधर, तो वो तो प्रकृति का है। हाँ। और वो गंगा जी का, गंगा मैया का है, उसमें जनप्रतिनिधि तो अपने तरफ से कोशिश किया, थोड़ा छाई हुआ गिर जाता तो हो जाता पूरा बढ़िया। ये है कुछ कमी है इसमें। तो आप देख रहे हैं GI फैक्ट ब्लॉग, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट कर करके, और मेरे इस अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग खास करके उनके लिए जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।